तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दस जून 2023 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। दोपहर 2:01 तक इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। सप्तभिषा नक्षत्र दोपहर 3:39 तक इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग दोपहर 12:49 तक इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज कालाष्टमी है और रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9:00 से 10:30 तक, यमगंड काल दोपहर 2:05 से 3:50 तक। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं कि कर सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा, आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे निभेंगे और सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति के साथ राहु है, द्वितीय भाव में सूर्य के साथ बुध है, मेष राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन आमदनी के स्थान में शनिदेव चंद्रमा के साथ विराजमान हैं, जिसका सीधा मतलब है नया कारोबार यदि आपने किया है तो धन लाभ होगा। और चूंकि आपके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति है और वो आपके राशि में है, इसलिए यात्रा से, कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। और द्वितीय भाव का सूर्य बुध किसी पुराने दोस्त से मिलवाएगा। कंधों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करना चाहिए। आज का किया हुआ अन्नदान अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। आज जो लोग दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, गरीबों को अन्नदान करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि की, राशिफल जान लेते हैं और कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय आपके राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि धन लाभ का योग बनेगा और बचत भी होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दशम भाव में शनि चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका थोड़ा सा सम्मान बढ़ेगा। और अगर कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त होगा। खुद को मानसिक तौर पर आपको मजबूत रखना चाहिए और पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। आज आपको घर से निकलने के पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आज इनकी किस्मत कितना साथ देने वाली है। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके नवम स्थान में शनि देव बैठे हुए हैं और स्थिर राशि में। अगर आप जबरदस्ती कोई लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो धन हानि होगी, सावधान रहिएगा, सोच समझकर यात्रा करिएगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको पूरे करने होंगे। आपकी समझदारी से बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर जाएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रोजाना प्राणायाम करिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए और आप तुलसी की माला गले में धारण करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए
नारंगी है, जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, कैसा रहेगा आज इनका भाग्य, कितना मजबूत रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र और मंगल की स्थिति है। मंगल है नीच राशि में और केंद्र में राहु केतु बैठे हुए हैं। अब राहु केतु अगर केंद्र में होंगे और गुरु चांडाल योग आजीविका के स्थान में बनेगा, तो अगर जल्दबाजी में आप कहीं कोई पैसा लगा देंगे तो उससे धन हानि के अलावा और कुछ होना नहीं है। नौकरी में बदलाव के लिए अच्छा समय है, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदलिए, और पारिवारिक विवाद भी समाप्त होगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, अपने खान पान पर लापरवाही न बरतें, वाहन सावधानी से चलाएं। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें, चींटियों को आटा डालें। शुभंग आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है, जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए आपका धन भाव का स्वामी बुध और आपके राशि स्वामी सूर्य के साथ इस समय आजीविका भाव में है, तो जो इस बात का पूरा संकेत कर रहा है कि यदि आपका कहीं कोई पेमेंट रुका हुआ है, कहीं आपका कोई बिल बकाया है, तो वो आपको आपका धन वापस मिल सकता है। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो आपका सहयोग करेंगे, लेकिन भाई से किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है। मौसमी बीमारियां स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, किसी नई योजना में निवेश करने से बचना चाहिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है, जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते संबंध कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए आज आपका ट्रांजिट 2 बातों का है। पहला, आपका जो राशि स्वामी बुध है वो आपके भाग्य भाव में है, और दूसरा जो आपके भाग्य भाव का स्वामी है वो आय भाव में है। अब बुध और शुक्र का स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ज्योतिष शास्त्र में ये निकलता है कि आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा, और धन धान्य में भी वृद्धि होगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, प्रशंसा होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। बाहरी खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, और एक बात बताऊं, काम चाहे जितना बड़ा करिए, वाहवाही लूटने की कोशिश मत करिए। गुड़ का दान करिए, शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है, जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो जान लेते हैं इनका राशिफल कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और किस्मत कितनी साथ देगी। देखिए आपके राशि का स्वामी शुक्र इस समय आजीविका के स्थान में स्थित है, और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा वो पंचम भाव में स्थित है। अगर इन दोनों योगों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपको कोई आमदनी का नया जरिया मिल सकता है, जिससे धन की वृद्धि होगी और नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। दिन भर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अनजान व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ मत बढ़ाइए। छोटी कन्याओं को वस्त्र दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है, जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृश्चिक राशि का राशिफल जान लेते हैं, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, इनका भाग्य कितना आज मजबूत रहने वाला है। वृश्चिक
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भले ही भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन है ये नीच राशि और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव भूम भवन के स्थान में शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। तो आज अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसे आप अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, अगर बेचना चाहें तो। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, कॉल आ सकती है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। किसी से धोखाधड़ी या ऐसा कोई वादा न करिए जो आप पूरा नहीं कर सकते। पानी में दो चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति मेष राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है और आपके तृतीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है। बीमारियों पर धन खर्च होगा भाई, और किसी बड़े काम में आपको सफलता भी मिलेगी। बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हल्की फुल्की चोट चपेट लगने की भी संभावना है, इसलिए सावधानी से सीढ़ियां चढ़िए, सावधानी से सीढ़ियों से उतरिए। और यदि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो कम से कम बाथरूम में आप सावधानी से आइए और जाइए। अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को ना दीजिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मकर राशि से द्वितीय भाव में चंद्र शनि की स्थिति है तो धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। काम से जुड़ी यात्रा पर आप जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ घूमने की योजना भी बना सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अगर आप हैं तो आपको खास ध्यान देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते और हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय चंद्रदेव के साथ है तो कोई कारोबारी डील तो धन लाभ कराएगी। ऑफिस में दिन भर व्यस्तता भी रहेगी। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझा लीजिए। मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई हस्ताक्षर जल्दबाजी या दबाव में मत करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं इनका आज का राशिफल। मीन राशि का स्वामी राहु गुरु चांडाल योग में मेष राशि में है, ऐसे में अगर पैसे से संबंधित कोई डील आप जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान होगा। ऑफिस में आलस से बिल्कुल मत करिए। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी का मजबूरी में साथ बिल्कुल ना छोड़ें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।